नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। पुरुषोत्तम बिहार आदर्श विकास समिति द्वारा बीरांगना पार्क पुरुषोत्तम बिहार कॉलोनी ग्वालियर में पुलवामा में कार्यरत पूर्व आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रमिला वाजपेयी ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने अपने सर्वोच्च निछावर कर दिया। आज भारत देश शोक में व्याप्त है। 135 करोड़ भारतीयों में बहुत आक्रोश है। इस कायरतापूर्ण घटना की घोर निंदा करते हुए हमारे वीर शहीदों को सभी ने याद किया और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत के नारे लगाकर 2 मिनट मौन विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के लिए बनासकांठा के दांता गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रांत अधिकारी के ऑफिस पर पहुंचे और अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए शहीदों की शहादत को न्याय मिले और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए गांव के सभी धर्म के हिंदू व मुस्लिम भाइयों ने मिलकर प्रांत अधिकारियों को आवेदन पत्र दिया ताकि सरकार तक ये जल्द से जल्द पहुंचे और आतंकवादियों को सजा मिले। इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हमारे जवान शहीद हुए जवानों के मान में श्रद्धांजलि देने दांता तालुका के दांता गांव में पूरे व्यापारी मंडल हर एक व्यापारी यानी कि पान के गले तक अपने स्वेच्छा से श्रद्धांजलि के रूप में बंद रखा है। जो पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के साथ निहत्तों के साथ जो पाकिस्तान ने क्रूर वो मजाक किया है उसका जवाब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हम मरने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीर में आतंकी हमले में भारतीय जवानों की शहादत के चलते स्थानीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में रविवार को राष्ट्रीय राजपूताना यूथ ब्रिगेड के युवा पदाधिकारियों ने शहर में एक विशाल वाहन रैली निकालते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी तो की ही साथ देश के केंद्रीय सरकार से कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पर सुनवाई नहीं की तो वे ग्वालियर शहर में एक भी कश्मीरी छात्र को पढ़ने नहीं देंगे। जब तक धारा 370 नहीं हटेगी हम ग्वालियर के अंदर एक भी कश्मीरी को रहने नहीं देंगे। कश्मीर वालों को यहाँ से चाहे कुछ हो जाए लेकिन छोड़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। खाएंगे आके, पियेंगे आके, अपना भी हमारे यहाँ पे होगा। या तो धारा 370 हटाओ, हमारे लोग भी वहाँ जाए रहे, क्योंकि जो लोकलिटी है वहाँ की वही समर्थन करती है। अगर यहाँ के लोग वहाँ रहते तो सर इतना बड़ा हमला नहीं हो पाता। पुलवामा में भारतीय सीआरपीएफ जवानों पर हुए आत्मघाती हमले के विरोध में भारतीय मजदूर संघ द्वारा रविवार को अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए फूलबाग चौराहे पर जमा होकर यहां प्रदर्शन किया गया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने यहां पाकिस्तान का पुतला दहन किया और शहीदों के बलिदान का जल्द से जल्द बदला लेने की मांग की। मराठा सोशल एवं कल्चर सोसाइटी द्वारा रविवार को जनकगंज स्थित आनंद पैलेस में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे मराठा समाज के लोगों ने पुलवामा में आतंकवादी हमले का शिकार हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों को याद किया और देश के लिए किए गए उनके बलिदान को सलाम किया। जिस तरीके से पूरा देश इस समय स्तब्ध है, जो परसों आतंकी हमला हुआ है पुलगांव में, तो आज मराठा समाज भी आक्रोशित है और यहाँ पर सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत दिल से दुखी हैं और इस घटना को कंडम भी करते हैं तथा आक्रोश व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। जितने जवान देश के मारे गए हैं
ये हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ादायक घटना है और हम इसको बहुत तेज़ी के साथ और बहुत गंभीरता से इसको सरकार से कहना चाहते हैं इस बात को लेकर कि अब टेबल टॉक नहीं होना चाहिए, अब कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अब टिट फॉर टैट होना चाहिए और इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुँह तोड़ जवाब तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक सरकारें अपनी राजनीति से उठकर देश हित में नहीं सोचेंगी। आज पूरे समाज ने बैठकर यहाँ पर एक बात तय की है और मांग करते हैं मराठा समाज केंद्र की सरकार से कि जब तक 370 धारा कश्मीर में समाप्त नहीं होगी और हमारा जो कश्मीर आधा पाकिस्तान के कब्जे में है, ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो जब तक भारत को नहीं मिलेगा, उसको जब तक भारत उसको अपने कब्जे में नहीं लेगा तब तक हमारा सोचना है इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद के लिए देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें हैं उन पर भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। वो भी उनकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को शहादत देने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। इसी तारतम्य में शहर के कुछ मुस्लिम समाज के युवाओं ने अभी फूलबाग चौराहे पर पहुंचकर पाकिस्तान का पुतला जलाया और इस तरह के आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान सरकार की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ उससे हम घर सुना करते हैं, निंदा करते हैं, सख्त मरम्मत करते हैं, साथ ही उसके अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको हम खराज अकीदत भी करते हैं, करते हैं, साथ ही भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो इस मामले को ठोस कदम उठाए और आतंकवाद का खात्मा जल्द से जल्द करे ताकि हम अपने मुल्क के अंदर सुकून और शांति के साथ रह सकें। गाइए के उसे समाज ने आज आतंकवाद को और पाकिस्तान को फांसी दी है और हम चाहते हैं इस दहशतगर्दी का खात्मा जल्द से जल्द हो। मैं अपने शहीद जवानों को फिर से खिलाई हासिल करता हूँ। रवानगी की दहलीज पर बैठी ठंड ने एक बार फिर पलटवार किया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण एक साथ दिन भर रात के तापमान में कमी आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रविवार को भी ठंड में इजाफे का दौर जारी रहा। स्थानीय मौसम कार्यालय में दर्ज आंकड़ों पर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देर शाम से उत्तर दिशा से हवाओं का चलना शुरू हो गया था। यही कारण रहा कि बीती रात ठंड तेजी के साथ गहराती चली गई। मौसम कार्यालय प्रभारी के अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान दिन भर रात दोनों की ठंड में इजाफा संभावित है। जो भी बदलाव आएगा वह 18 से असर दिखा सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए एस न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फिर से लघु उद्यमियों को संगठित करने और केंद्र एवं राज्य सरकारों तक लघु उद्यमियों की समस्याओं को पहुंचाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारतीय द्वारा रजत ज्योति वर्ष में देश के 4 सैकड़ा से अधिक जिलों में लघु उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में लघु उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के सभी लघु उद्यमी एवं इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक्चुअली हमारा लघु उद्योग भारतीय एक राष्ट्रीय संगठन है। इस वर्ष उसका रजत जयंती वर्ष है, 25 वर्ष हो रहे हैं। उस एवज में हम पूरे भारतवर्ष में हमारी 400 जिलों में इकाई हैं, तो वहाँ जिला सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसी रजत जयंती जिला सम्मेलन की श्रृंखला में ग्वालियर और चंबल संभाग का हम लोग संयुक्त रूप से अधिवेशन कर यहाँ भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया से लगभग और हमारे ग्वालियर के 8 इंडस्ट्रियल एरिया से लोग उद्यमी शामिल। एक्चुअली इसका उद्देश्य है लघु उद्यमी संगठित हों और उनके सरकार के नीतियां यदि हमारे विपरीत आती हैं उनके खिलाफ संगठित हों और हम अपनी अच्छी नीतियों के लिए सरकार को सजेशन दें, जिससे कि हमारे लघु उद्यमी, क्योंकि देश का एकमात्र ऐसा उद्यमी है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है
और सबसे ज़्यादा आय अर्जित करता है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को संग्रह करता है। छोटे छोटे बड़े बड़े कम उद्योग होते हैं, छोटे छोटे बड़े उद्योग मिला के मतलब जो टैक्स संग्रह में सबसे ज़्यादा योगदान है, रोजगार में सबसे ज़्यादा योगदान है। और ये ऐसा हम लोग कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, घर घर में जो गांधी जी की परिकल्पना थी घर घर में उद्योग हो, उसी के तहत इसका आयोजन। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में आने वाले सैलानियों को अब यहाँ दो नए हिमालयन भालू का दीदार हो सकेगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी की मदद से त्रिपुरा से दो हिमालयन भालू गांधी प्राणी उद्यान में शिफ्ट कर दिए गए हैं और जल्द ही सैलानी इन भालू को देख सकेंगे। गौरतलब है कि कई वर्षों पूर्व भी यहाँ हिमालयन भालू आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद सैलानियों को देसी भालुओं को देखकर संतुष्टि करना पड़ रही थी। नए भालुओं की आमद से सैलानी अब उनकी दिनचर्या को भी समझ सकेंगे। ये सफाई चोला त्रिपुरा से आए हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, लगातार पेपर में भी आ ही रहा था। और अपने यहाँ क्या है कि हिमालयन भालू का पिंजरा सेंट्रल जू अथॉरिटी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में बना हुआ था, और हिमालयन भालू पहले थे जो ख़त्म हो गए, तो तब से पिंजरा खाली है। तो हिमालयन भालू जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी के सहयोग से ही हमें त्रिपुरा से प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर साहब जो उपेंद्र यादव जी जो वेटनरी डॉक्टर हैं और जू इंचार्ज भी हैं, उनके नेतृत्व में जो है दो बालू, एक जोड़ा जो है बालू का लाया गया है और पिंजरे में शिफ्ट कर दिया है। और फिलहाल उसको जनता के लिए तो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके नियम है सेंट्रल जू अथॉरिटी के कि कोई भी जानवर जब लाया जाए तो उसको कम से कम 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है, ताकि वो यहाँ की आबो हवा रहवास से जब अनुकूल हो जाता है तो हम जनता के दर्शन के लिए उसको बाहर निकालेंगे। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपनगर ग्वालियर के कुछ युवा द्वारा बीती रात किला गेट स्थित काली माता मंदिर से अजीरा चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। देशभक्ति के नारों के साथ कैंडल मार्च निकाल रहे इन युवाओं ने यहां भारत सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले तो जो हमारे 44 जवान शहीद हुए, उनके लिए हम सभी लोग, हमारे पूरे मित्रगण, उन्होंने ये श्रद्धांजलि सभा रखी। पहले तो मैं ये सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सब लोग आए और इन्हें श्रद्धांजलि दी। जो हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए अब हमारी जो सरकार है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। हमारा यही कहना है कि मोदी जी का कहना था कि एक सर के बदले 10 सर, हम नहीं कहते कि एक के बदले 10 सर, लेकिन जो हमारे 44 सैनिक मारे गए, अब इसके बारे में मोदी जी क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, इसके ऊपर सब लोगों की निगाहें होंगी। टेलीविजन शो भाभी जी घर पर हैं धारावाहिक में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर फेमस हुई। शुभांगी अत्रे बीती रात ग्वालियर व्यापार मेले के फैसिलिटेशन सेंटर में बॉलीवुड नाइट में शामिल हुई। इस दौरान यहां देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर जारी रहा और बड़ी संख्या में यहां पहुंचे सैलानियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए एस न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फिर से पुलवामा आतंकी हमले का हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध तो किया ही जा रहा है, साथ ही मुस्लिम समाज के लोग भी इस आतंकी हमले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार को फूलबाग स्थित मोती मस्जिद में शहीद हुए सैनिकों के लिए अल्लाह ताला से विशेष दुआ की गई।
देखिए, जिस तरह से जो 14 तारीख को बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, पूरे इंसानियत के ऊपर हमला हुआ है, वो किसी भी मामले में हम उसकी मजम्मत करते हैं। पूरा मुस्लिम समाज, पूरे देश का मुस्लिम समाज उसकी मजम्मत करता है। जिस तरह से हमारे मुफ्ती आज़म जनाब जफर नूरी साहब ने बयान फरमाया, दुआ फरमाई, हम उस सब की तायद करते हैं। और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हमला है और हमारे मुल्क पे हमला है, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान पर हमला है। और भारत का मुसलमान किसी भी अंदाज़ में इसको सहन करने वाला नहीं है। हम भारत की ताकत हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जो भारत में रहते हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। पाकिस्तान ने जो साजिश रची है हम लोगों को अलग अलग करने की, इस हमले के मार्फत से, हम उसको कभी कामयाब नहीं होंगे, होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम सब मुसलमान भाई ये समझते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें रच रहा है वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। और पाकिस्तान की हम लोग बहुत ही भर्त्सना करते हैं, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि उसने इस तरह की घटना हमारे भारत में दी है। और भारत का एक एक मुसलमान उस घटना की बुराई करता है, निंदा करता है। और अल्लाह से जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम सब उनके लिए दुआ करते हैं जो हमारे खराज अकीदत पेश करते हैं, जो हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं CRPF के, हम सब के लिए और उनके परिवार वालों के लिए भी अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं और अपने अमन, अपने देश में अमन और चैन की अल्लाह से दुआ करते हैं। वहीं महाराज बाड़े पर जमा हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पुलवामा के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां खास बात यह रही कि जिस समय मुस्लिम समाज का प्रतिनिधिमंडल यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, इसी दौरान हिंदू सेना के कार्यकर्ता भी यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँच गए और दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो कल एक बड़ी बीभत्स घटना हुई है और जो कि समझ सकते हैं आपके एक तरह से आत्मा पे हमला है, और काफ़ी हमने टॉलरेट किया है, लेकिन अब हमारा वक्त ऐसा शुरू हो गया है कि अब हमें कश्मीरियों को भी बख्शना नहीं है। अगर इस तरह के कॉकरोच हमारे समाज में हैं तो इनको मारने का काम अब भारत सरकार करे, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के जवानों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर द्वारा महाराजवाड़ा स्थित जिला कार्यालय मुखर्जी भवन के नीचे धरना देकर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां भाजपा नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और आतंकियों को नेस्ता नाबूद करने का आह्वान किया गया। यहां बता दें कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन दिया गया। पुलवामा में ये हुआ कि 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान के सारे पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हमला सिद्धू का मामला सबको मालूम है, हमारे सैनिकों के ऊपर किया गया, सिद्धू जो कांग्रेस का, उससे पूरा देश शोक में है। उसने जो टिप्पणी लिखी आज उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया आक्रोशित धरना और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिन देश के ऋण वापरे ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनकी खून का एक एक कतरा बेकार नहीं जाने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया है कि जल्दी से जल्द पाकिस्तान के द्वारा रची गई इस साजिश को बेनकाबी किया जाएगा और वीर शहीदों के बलिदान का बदला लिया जाएगा। हम सब लोग आज व्यथित हैं, पूरा देश शोक में डूबा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वीर गति को जो शहीद प्राप्त हुए हैं उनको शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को। और मानना पड़ेगी कि अपनी केंद्र सरकार से मांग नहीं है, ये पूरे एक देश के लिए अपन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करना चाहिए, सारे देशों को करना चाहिए। हालांकि 50 से ज़्यादा देश आज पाकिस्तान के खिलाफ हैं। कल जिस तरह के सर्वदलीय बैठक भाजपा ने सरकार ने बुलाई, उसमें सारे राजनीतिक दल एक हैं। हम सिर्फ यहाँ पर धरने पर आक्रोशित कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में इस बार राष्ट्रीय निर्माण मोर्चा द्वारा सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिसके लिए मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा देश भर में रायशुमारी भी की जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह और महासचिव डॉक्टर आनंद कुमार इस सिलसिले में रविवार को ग्वालियर पहुंचे
और पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोर्चा द्वारा घोषणा पत्र के आधार पर जनता के बीच जाकर उनकी बात को सुना जाएगा, साथ ही भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों की लूट खसूटी को समाप्त किया जाएगा। साठ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी 10 सीटों पर लड़ेंगे। पार्टी का मुख्य एजेंडा ये है, सबसे बड़ी बीमारी जो देश में है जिसने समाज को और सबको बांट दिया, ये आरक्षण है। हम आरक्षण को जाति आधार पर, धर्म आधार पर समाप्त करेंगे। केवल एक ही मुख्य आधार होगा, वो आर्थिक आधार होगा जो आवश्यकता है, लेकिन उस पर भी योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। नहीं, हमारे तो लाखों सदस्य हैं। पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ा था, दिल्ली नगर निगम में लड़ा था, बीच में इन लोगों का समर्थन किया, लेकिन हमने ये अनुभव किया है सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे कांग्रेस, उसका उल्टा भाजपा, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सब उसी लीग पर चल रहे हैं। तो राष्ट्र को अलग नीति की जरूरत है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। और अब हमें दीजिए इजाजत।